अच्छा के साथ मैं इज्जत करूंगी तो मेरी बेवकूफो तुसी करदे हो इलाकियां दी गल्लां। हां ओ साडा तां कोई इलाका ही नहीं okay. बल्कि अजकल दे लोग जेहड़े ने बकायदा तौर ते मैनूं फोन करके बुलांदे ने, आजो भाईजान सदका देना, आजो भाईजान खरात देनी, आजो भाईजान ज़कात देनी, आजो भाईजान फतराना देना। अच्छा कई बार फरजाना भी लाना, बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया जगह ते गया। और मैं हुण अजकल लोग जाके दरवाजा खड़काओ ते अंदर बोलदी बड़े अजीब तरीके नाल, ओ की गल है बाबा, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸਿਰ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਤੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੰਮੀ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਮੀ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਮੀ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਬਾ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਫਨਾ ਝੂਠ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਕਸਟਮਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਕਸਟਮਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਹੈਗੇ ਨਾ। ਵੇ ਯਾਰ ਛੋੜਾ ਰੱਖਾ, ਓਹ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਦੇ ਨਾ ਲਾ ਲਾ ਚੱਲ ਜਾਈਓ ਕੋਈ कितनी दिहाड़ी लाया। मैं 3500 रुपया लेकर लिया। शर्म नहीं आती तुझे, कल भी समझाया था बगैरत आदमी 3500 जी, इतना बड़ा कदे कौन से इलाके में मांगे। मैं पैनोरमा माल, पैनोरमा सेंटर के सामने मांगे और 3500, लानत तुझ पे, इधर आओ निकम्मा निकट्टू। साहब चौकस कुत्ती, कितनी देरी लगा है। 5000 इलाका कौन सा तेरा। लबट्टी। लबट्टी में 5000 मैं लबट्टी में मांगा करता था 15-15, 20-20 हजार लाता था डेली। मुझे जेब नहीं ना काटनी आती। बोलता है आगे से बोलता है, इधर आप उठाना की चीज क्या है। 1500 इलाका कौन सा है। इकबाल टाउन। चल कमजोर इलाके में मांगे, क्यों इलाका चेंज करे। कहा मोटू कितने लाए पैसे आज। 2500 सारा खुद खा जाता है साले, तुझे इधर का फिक्र नहीं है कि सेठ लाज का मिट्टी खाता है। इधर तय बता अबे, तेरी बड़ी बातें आवाजें आ रही थी मन्ने, कितने पैसे लाए। 200 सरकार। सिर्फ 200। अरे सोया रहता मांगता नहीं है तू। मांगना नहीं तू, सोया रहता गल्ला का। टेंपो नीचे रख बड़ी। तेरी माँ जी वे दे मैनू आटा, कोई सूट वे पाटा, तेरे बच्चियानू मैं देवा दुआ। मेरे बाप के लिए काम करते हैं। तो मेरे बाप के लिए काम करते छोड़ के निकल जाओ। एवं निकल जाए, ये तो वधिया काम छोड़ दे। वधिया काम है मंगना, चंगी गल है पकड़ता तो। और क्या है,
8,000-10,000 कमा के लाऊं। तू तो वेला, ये जो कमाई पैंट शर्ट पहनी हुई ना, ये जो पफ बनाए हुए जूते पहने हुए, हमारी कमाई के नपुती रान के बच्चे। खुसरा बंदा से फकीर बन गया। अपने प्यो से क्यों नहीं मंगते? हां खरगोश नहीं की औलाद बेगैरत आदमी। मेरे साथ पुट्टी सिंह की बात की, मुझे भी सारी गालियां आती है। बिला बजा नहाने वाली माँ का बच्चा। बाबे ना गल करना। अबा जी की गल है, 24 घंटे कदे रौला पई रखना। अबा जी मैं बारा नहीं खांदा। मंगो लेकिन तरीका चेंज करो ना। मैं पढ़ लेके हूं, मैं कोई जॉब करांगा, मैं कोई काम करना। अच्छा, यानी कि तू सानू कारोबार छड़ाना चाह रहे? मैं नहीं चंगा लगता सवेरे सवेरे उठिए तो फकीर की लाइन साडे घर च लगी होवे। वाह वाह, अज फकीर तेनू बुरे लगन लग पे ने, है ना? और तेरा प्यो फकीर, तेरी मां फकीर नहीं, तेरा खानदान पूरा फकीरां दा, ते तू कल्ला ही विचों पढ़ लेके सानू काम छड़ा देगा। ते अब्बा जी कोई चंगा काम है, मंगना कोई अच्छी गल है, ते किथे मैं तेनू नैब च लवा दियां? चलो मैं कोशिश करा, मैं लग भी सकना, लेकिन काम दे विच रह के कोई इज्जत बनेगी साडी? बेटा मैं सारी जिंदगी यही ही कीता ते यही करना है। कल ये करना अब्बा जी, बंदे नू बदलना चाहिए अपने आप नू, मुआशरे च साडा कोई मुकाम बनना चाहिए। लोग साडे ते थू थू करदे ने। मैं कदर चंगे कपड़े पाके जा नहीं सकता, मैं किसी अच्छी फैमिली बैठ उठ नहीं सकता। अने नहीं तू कम ते लग जा, महीना तेरा मुंह मेंदे रहिए, महीने बाद तनखा आएगी जी, फिर असी खावांगे। ओ ते जी बरकत हुंदी अब्बा, रोज रंग बिरंगे खाने खाने, इहदे च बरकत नहीं? बड़े रंग बिरंगे खाने, गोभी ना बुरकी लाओ विच बताऊ लमक अंडिया आउंदा, दाल खाओ विच चिकन लगा, चिकन खाओ विच मटन लगा। पुत्तर उन्हां लोकां नूं जाके पुछ जिहड़े जाके चौड़े हो के ते 3 किलो मटन बना दे। सिर्फ मटन ही बनाना, लानत इहो जिहे पैसे दे। बंदा खाए ते कोई 8-10 डिशां ना अगे पईआं होण, सानूं मजा आउंदा। मिठे चौल खाओ विच छोरा अंडिया आउंदा। यार जो भी है, असीं बस मंगने आ, असीं फकीर आ ते फकीर ही रहना। अब्बा जी मैनूं आवारा नहीं खांदा काम। तैनूं नहीं खांदा? तूं एक मिंट, तेरी मां नूं बुला लैंदा मैं। बस की होई पुत्तर उदों तेरी बांह टुटी हुंदी ना, ते अज तू 2,500-3,000 रुपया लैके शाम नूं आउणा। ओ पेन नहीं चुक सकना तूं, मैं तैनूं दस दिया, मैं इत्थे मंगदा ही, इहदी भैण दी कुड़ी आ।
एक अख तो टीरी है पर मैं कोई नहीं करना एक अख तो टीरी मैं 92 औरत नहीं कर लेके आनी मेरा पुत्र मन जा तेरी मां भी मंगती ही ना नहीं अब्बा जी मैं किसी और ना प्यार करना प्यार करना हां ए फकीरां दा बच्चा ते कुड़ी ना किसी ना प्यार करदा जे ते कुड़ी ना करना और मैं खुसरा रख ला ए केड़ी कुड़ी ने तू प्यार करना है अब्बा जी एक आदमी है बिजनेसमैन है ते अच्छा असर सुखाल आदमी है ते मैं उहदा प्यार करना ते असीं शादी करना चाहुंदे हूँ मेरे से प्रॉब्लम है कि अगर मैं उन्होंने घर लैके आना तो मैं विखावगा कि मेरा प्यो तो मां मंगते हैं पैसा उन्होंने कमा है हाँ सदका देंगे ना अब्बा जी की कर रहे हो नहीं देखो अगर दिन दे रहा पर सदका देगा वो चलो नहीं तो ना सही सानू की क्यों जी सानू की लग गए पुत्र मेनू नहीं यहोजी कुड़ी चाहिए मेनू नहीं यहोजा पुत्र चाहिए मेरे पुत्र वो ने जेड़ा मेनू कमा के लिया वो पुत्र ने तेरे मैं तेरा पुत्र नहीं नहीं मैं घर छड़ के चला जाऊंगा आपा इशारे खुले ने ध्यान मेरे वाल पिया मैं इन इशारा किया मेरे इशारे ते आ गई उदो भी मेरे इशारे ते लगी ते अज तक असीं एक दूजे के इशारे ते चलदे आ पे असीं एक दूजे के इशारे वाल वेखिया बल्ब फ्यूज बल्ब है होया अज भी मंगे ना मैं तेरी तीन करावा जिडे जिडे तेरे बुल ने तू इंजी पैसे लैके आ मेरी टिंड करानी आप पाल रख डीसेंट नहीं होना चल नाड़े फ्लैट बने ने जिथे किराया ले लिया जद आ जा मेनु नहीं चाहिए पुत्र नहीं चाहिए तो मैं जा रहा अज तो तू जाता क्यों नहीं पर कुंडी लगी है दस या अंदरों ताला लाया मैं चला जाना ही अब्बा प्यो ना तमीज ना कर ना पिया मैं बंदरा दी निकल ना ना पढ़ाई का के पत्त भी हो गए और पढ़ाई नु मैंने की पता सी अजी दा हो जासी जा क्या जा मैं ओ जा तो हो जा ना कर जदबाती ना हो एक ही कमा बाल है साडे कोल जा बदल के ना अज तो बाद ने बड़ी मेरे घर दे मैं तन्नू दस दे मैं अज तो बाद तेरे घर नहीं आवांगा तो तू मेरे बाहर ना आई इको दा एक छोर है अभी तू रुसा छड्या अच्छा ले तेल ने छोटा कर रो ना जान दे नु अल्लाह और देगा अंदर छोटी दे कर ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਭਾਵੇਂ
ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਖਾ ਪਾ ਭਾਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਪੜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਬੁਰਖਾ ਉੱਤੇ ਪਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਇਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ठीक है घरों समझा के लिया की मसला की है दस की ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਚੁੰਮੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਾਗ ਪਏ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਔਰ ਹਮ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਠਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਝੋਲੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਭੁੱਖਾ ਹੋਰ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਬਰੋਸ ਖੁੱਲਿਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਮਸਾਲੇ ਨਾ ਚਾਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਈ ਐ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਕਵਾਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਤੀ ਰਾਣ ਕੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹਤਾ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸੁਲਾ ਕਰ ਲੋ ਮੈਂ ਸੁਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਐ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਹੋਈ ਰਹੇਗੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੋਚੋ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦਿਓ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚਲੋ ਜਰਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੋ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਖੋਲਣ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰੋ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਜ਼ ਜਲਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੇਨ ਸੋੜ ਦੇਣਾ ਅੱਛਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੁੱਟਣਾ ਕਿ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟਾਇਰ ਨੰਗੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਾਜੇ ਬਾਕੀ ਖੈਰ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਅੱਗੋ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਨਾ ਆਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਟਾਇਰ ਨੰਗਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਚਲੋ ਚਲੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਚਲੋ 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 ਛੱਡ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ ਚਲੋ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਜੋ ਅੱਬਾ ਜੀ ਵਾਹ 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 ਸਿਆਣੇ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਮਝੋ ਉਹਨੂੰ ਟਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਿਖਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਅਸਲੀ ਵਹਾਣਾ ਪੈਣਾ ਨਕਲੀ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਡਿਆ ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਚਾਹਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਚਾਹਣਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੀ ਚਾਹਣਾ ਕੀ ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਟੁੱਟੇਗੀ ਉਹ ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਦਿਹਾੜੀ ਆਹੋ ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਚਲੋ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰੱਖਣਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਆਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗਾ ਪਿਓ ਬਣਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਨਵੀਂ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਅੱਛਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਤਨਖਾਹ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 50,000 ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 75,000 ਕੁੜੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਠੀਕ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 10,000 ਵਧਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇਹ ਫੜ ਪੈਸੇ ਇਹ ਵੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਕਿਤੇ ਚਵਲਾ ਜੇ 10,000 ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੂੰਹ ਵੇਂਦਿਆ ਰਹਿਣਾ ਅਗਲੇ ਦਾ ਇਹ ਵੇ ਪੈਸੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਨੇ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਾਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੋ ਦੱਖ ਦੀਆਂ ਫੈਲਾਂ ਫੜਾਉਣ ਦੇ ਆ ਬੇਈਮਾਨੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੂੰਹ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਮੂੰਹ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਕਿਉਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮੰਮੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਕੀ ਗੱਲ ਰੇੜੇ ਆ ਗਏ ਦੱਸ ਨਾ ਨਪੁੱਤੀ ਰਾਣ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੱਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾ ਪਾਰਟੀ ਆਇਓ 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 ਮੋਲੇ ਨੂੰ
ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਕਿਹੜੀ ਸੌਂਦੀ ਬਾਹ ਕਿਹੜੀ ਸੌਂਦੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆਦਮੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਲੱਤ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਵੜਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦੀਆਂ ਹੀ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪੈਗਾ ਬੋਲ ਸਿਰਫ ਮੰਗਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਣੀ ਮੌਲੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਉੱਡਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਚੱਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਅੱਖੇ ਲੱਗ ਸ਼ਾਬਾ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਕਾਜੀ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਆਣੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸੋਹਰੇ ਆਣੇ ਮੈਂ ਠੀਕ जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मैंने अखबार में इश्तिहार पढ़ा था कि आपके यहाँ बहुत अच्छी जॉब मिल रही है बहुत अच्छे और वीकेंड ड्रॉप की सहूलत भी दे रहे हैं वीकेंड ड्रॉप गड्डी लेके भी जाएगी गड्डी लेके भी आएगी यही चीज तो देखकर मुझे सबसे अच्छा लगा हाँ और इतनी फैसिलिटीज फैसिलिटी बहुत ज्यादा है आपको ये नौकरी सूट करेगी और इसमें आपको अर्निंग बहुत होगी अच्छा मुझे बताएं कैसे क्या अर्निंग होगी असल में ये 2 साल की जॉब है कम से कम 2 साल तो आपको ये जॉब करनी ही करनी है 2 साल से पहले ना आप छोड़ सकती ना हम आपको निकाल सकते हैं चले ठीक है 2 साल तो वैसे भी शादी नहीं करनी तो जॉब ही करनी शादी इसमें करने की जरूरत ही नहीं है शादी तो ज्यादा पैसे आ जाने ने वो थे एक बंदे को पैसे लेने थे बंदे बंदे को लेने ने अकाउंटिंग की सर क्या बात कर रही आप तो जॉब आपकी स्टार्ट हो जाएगी मुझे जॉब मिल तो जाएगी ना जॉब समझे आपको मिल गई मिल गई 3 लाख रुपया हम आपको देंगे एडवांस 75,000 आपको मिलेगा पर मंथ अच्छा पहले महीने के बाद आपका 5,000 रुपए बढ़ जाएगा अच्छा फिर हर महीने के बाद 6 महीने के बाद आपका 10,000 बढ़ेगा वाह इतनी अच्छी जॉब किस्मत वालों को मिलती है आपकी किस्मत खुल गई वाकई मेरी और कपड़े हम लोग देंगे खाना पीना हम आपको देंगे खाना पीना कपड़े सब कुछ रंग बिरंगे खाने ऐसा खाना मिलेगा खाने विचों खाना लंगिया होएगा क्या खाने दे खाना चढ़िया होएगा पाकिस्तानी डिशेस क्या मुख्तलिफ जेड़ी जिन्हें पकाई होवे कोई एक घर दी डिश नहीं होनी ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਵੀ ਸੜਿਆ ਕਰੇਗਾ वो कैसे जो तो झोली ਜੀ ਪੋਇਆ ਇੱਥੇ ਜੀ आप मेरी बात सुने मुझे ये जॉब दे दें आप जॉब आपको मिल गई ठीक है आप बेफिक्र होकर करें आपको आज ही एडवांस मिलेगा आपको साइन करने थोड़ा सा इसमें मैं आपको एक चीज समझा दूं वो ये है कि आपको ये नौकरी 2 साल करनी है 2 साल से पहले अगर आप छोड़ती हैं हाँ। क्योंकि मैंने शादी करनी है या मुझे ये पसंद नहीं है मैं जा रही हूँ प्लांट मकान दिस एंड दैट आपको फिर जुर्माना होगा 20 लाख मंजूर है 3 लाख की कैद भी है इसमें कोई बात नहीं अपने छोड़नी क्यों है मैंने सीवी कौन देख ली है ये मेरी डिग्रीज है मैंने एमए इंग्लिश किया हुआ है एमए इंग्लिश इसमें बिल्कुल कुछ नहीं चलेगा इंग्लिश सारा कुछ ऐसे दुनिया दे रह जाना इस काम च जिन्नी अल्लाह अल्लाह करोगे उन्ने ही पैसे ज्यादा चले आप मुझे जॉब तो देना जॉब आपकी होगी पक्की अच्छा जॉब आप छोड़ेगी नहीं नहीं छोड़ूंगी और कपड़े हमने देने हैं खाना हमने देना है पिक एंड ड्रॉप है गड्डी लेके भी जाएगी गड्डी लेके भी आएगी बैठिए तो यहाँ पर आपको साइन करने हैं ठीक है हाँ जी साइन कर दीजिए पढ़ ले एक बार पढ़ने की क्या जरूरत है इतनी अच्छी नौकरी है एक बार पढ़ लो ना इतनी अच्छी नौकरी है ना पढ़ लो ना क्या नहीं मैं साइन करूंगी मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं हाँ मुबारक हो आपको खैर मुबारक पापा कंपनी के समझे इमरान खान है जी आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं वैसे ही अच्छा वैसे ही हाँ जी ये घर की और सोन लगे स्लीपिंग सूट है स्लीपिंग सूट अच्छा मुझे काम क्या करना होगा कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं साइन कर देते ना हाँ साइन कर पहले की करते हो पहले मैं जॉब करती थी अच्छा हाँ स्कूल में टीचिंग की ओ सारा दिन ओ बच्चे नु बुलाओ नु बुलाओ हाँ। पढ़ाओ कह दे कुल नन ऐसा काम ही नहीं अच्छा हाँ तो क्या करना है इन लाचा चंगा लगेगा मैंने डांस नहीं करना नहीं डांस अल्लाह माफ करे डांस वाले केड़े पास है ये हो जाए काम नहीं साडा जी तुसी मंगना
मैंने नहीं मांगना। कच्चे सांदे, कच्चे सांदे। मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ। तुसी मंगना है तो कच्चे सांदे मंगना। मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं नहीं मांग सकती। तो बहरिया टाउन पे इतने आ जाओ। नेक्स्ट। बस ये अल्लाह बरकत पा दी मेरे। शक्लो फरिश्ते लग रहे वेखो तो सही फरिश्ते वेखो तो सही एवं दुनिया कह नहीं के दुनिया मुकती जान डी है नूरानी चेहरा वेखो तो सही शक्लो फरिश्ता लग रहा जे शकल नूरानी चेहरा मां सदके जाए नौकरी का मजा आना कि नहीं आना ए मजा आया गुजराले जाना पेगा राह वाली जाओ एक बार पूछो राणा अकरम किस बला का नाम है तुम बच्चा नौजवान औरत मर्द बुढ़ा हर दसेगा कि किस अजमत का और किस अजीम हस्ती का नाम नौकरी दो साल तो जॉब करनी पेगी अगर दो साल तो पहले ना छोड़ोगे ना असि कटा गे जी ठीक है दो लख रुपए तुम मिलेगा एडवांस किन्ना दो लख सर फरिश्ते पंजा हजार रुपया पर मंथ सर मेरा मालिक मेनु कहिंदा सी मेरे तो अलावा तेन को नौकरी ते रखे मेरे मुंह ते थुक दे मेनु नौकरी दे दो मैं तो मुंह ते थुकन जाना मालिक तेन हवा ना लावे तेन तो सिखाना भी नहीं पैना प्यार मेरे नाल फड़ दो लाख रुपया आम इंसान राणे ने पहली बारी इकट्ठा दो लाख अल्लाह मैं तुहाडे बराबर नहीं बैठा मैं बैठ भी नहीं देना नहीं मैं अपने मोस ਰਾਣੇ ਅਕਰਮ ਨੂੰ ਇਜ਼ੀ ਨਾ ਲਵੋ ਗੁਜਰਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਰਾਣੇ ਅਕਰਮ ਦੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਮੌਸਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋ ਪੈਂਦਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਮਿਲੇਗਾ 50000 ਤਨਖਾਹ ਹੋਏਗੀ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ 5000 ਵਧੇਗਾ 10000 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੀ 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 ਔਰ ਕੱਪੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਿਕਨ ਡਰਾਪ ਦੀ ਸੁਣੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਰਾਣਾ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬਵੇਗਾ ਗੁਜਰਾਲੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਥੁੱਕਾ ਕੰਦੀ ਨਵੀਂ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਸਰ ਨਵੀਂ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਕਿਹੜਾ ਆਪੇ ਹੱਥ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਸਿਰ ਯਾਰ ਲਗਾ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣੀ ਸੀ छोगे जुर्माना तीन साल की कैद नौकरी छेगा कौन
ਉਹ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਨਸਲ ਦਾ ਕੁੱਤੀ ਨਸਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਬਲਦੀਆਂ ਚ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਬਲਦੀਆਂ ਚ ਇੱਕ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਦਸ ਪਿਓ ਲਿਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇ ਔਰ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਣਾ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨੀ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ दो सिर बच्चा एक औरत दी बतवा घर मुंडा होया एडे फुल दो लख मैं कह रहा फरिश्ता दो लख दिता सदका लैण आले लोग भी बुला ले तेरा ही है सारा ही सौ तेरा खुला ही राणे ना वहां पे ही जा हुक्म करो जी मेहनती लोग सारी जिंदगी मेहनत से बिलीव किया हुण भी मेहनत करांगे घबरावांगे नहीं बस इस काम च ईमानदारी ज्यादा जरा सारे एक रुपये का हेर फेर होवे मेरी धौण ला देना मेरी लत ला देना असीं जराबां चों भी कढ लैने आ सानूं पता होंदा सर मजेदारी की गल है कि राणा बेईमान नहीं जिथे मर्जी लिखा लो वेरी गुड हाँ जी कम कोई एडा मुश्किल नहीं सर मुश्किल भी होवे राणा अकरम खलोता तुहाडे कोल मैं समझना तू ज्यादा बकवास ना कर मैं सिर्फ तेन ये दसना जा रहा कि काम साडा मुश्किल नहीं तू ला वाली तो आया भाईजान अक्सर तू देखिया होना हाँ जी कि शारे दे उत्ते गड्डी रोकदी है ते शीशे अगे मंगण वाले आ जांदे ने बगैरत लोग ने कुत्ती नसल दे लोग ने कटिया ने 100 नंबर ते ओए बगैर तो एडे तुहाडे पिंडे ने किसे अगे हट करदे आ तुहाडा कलेजा क्यों नहीं हिलदा ओ कोणी मार के मज चलो ओ किसे अगे हट करन नो चंगा कुत्ते दे को रोटी चुक के ओ खा लो किसे अगे हाथ ना फैलाओ की कर लू कुत्ते को बना रोटी चुक के खा ले ए कम ना करे ए ही खानी है तू हां की कह रहे हो भाई जान तो दिमाग खराब है मैं क्या फरिश्ते हां इधर आ ए की कह रहे हो अपना बात ओ ठीक कह रहे आम इंसाना नहीं नहीं मेरी जान है की कह रहे है मंगना तुसे किन्ने मंगना है जेड़ा सेल कीते ने फकीरा वाली ओ जाओ कम करो राणिया दे धी पोता राणे इथे ते राणे होके की करोगे ते मंगा भी असी राणे होके मेरे को बट मंगन दे ने तू की ओ किन्ने मंगना यार एनु समझा यार जब तुसी सेल कीते ने ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੰਗਣਾ ਓਏ ਤੁਸੀਂ 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 ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਲਦੀਏ ਚ ਫਰਕ 10 ਬੰਦੇ ਪਿਓ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਾਰ ਰਾਣੇ ਮੰਗਣ ਕੇ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੇ ਰਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰੋ ਨਾ ਭਾਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਮੰਗਵਾਣਾ ਤੂੰ ਰਾਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਣਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਹੀ राणा हुण कटिया कटिया फिरेगा ख्वाहिशन
वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, वेलकम सर। आपको जॉब चाहिए? जी जी। हाँ माशाल्लाह, जॉब आपको सूट करेगी सर। अच्छा जी, जॉब तुझे जो करेगा तुझे, आप कहोगे ऐसी जॉब तो मतलब दुनिया दलाल नहीं दे सकती। ठीक है सर, तनु 2 लाख रुपया मिलेगा एडवांस, 2 साल की जॉब है, 2 साल तुझे साथ में काम करना, 50,000 रुपया पर महीना मिलेगा तनु सर, पहले महीने बाद 5,000 रुपया बच जाएगा। अच्छा, हर 6 महीने बाद 10,000 रुपया तुम उसी देंगे। ठीक है, ठीक है सर, खाना पीना सारा कुछ साढ़े को, कपड़े साढ़े को, गड्डी लेके भी जाएगी, गड्डी लेके भी आएगी। बड़ी मेहरबानी जनाब, सारी डिटेल दसी तुसी। हाँ जी, नौकरी तो करनी ही कहीं पैनी है। अच्छा जी, बंदा कतल हो गया मेरे हथों। ते मां ने कहा है कि पुत्र बनवासी छड़ दे, कदों का कतल करता रहेगा, कोई नौकरी कर ले। मेहनत थोड़ी शर्त कबूल ने, सर पता की है वैकेंसियां पूरी हो नहीं, तुसी अखबार इश्तहार दिता है देनी तो पेगी, तो असी मां नूं वादा करता है बदमाशी छड़ दिती है। लेकिन काम जो है ना हल्का म्यार दा होवे, साडे म्यार तो थल्ले ना हो। फिर कादा वादा कीता तुसी? एग्रीमेंट करते हैं। बगैर मैं जाना कोई नहीं, सारी शर्त कबूल ने मैनू। सर देखो शर्त है कि 2 साल तुसी नौकरी करोगे। हाँ जी, 2 साल तो पहले तुसी छड़ोगे नहीं। हाँ जी, 2 लाख एडवांस है, 50,000 रुपया महीना के, 5,000 पहले महीने, 10,000 रुपया हर 6 महीने बाद। अच्छा जी, गड्डी लेके भी जाएगी, गड्डी लेके भी आएगी मैनू। हाँ जी, एक मिनट ठहरना। हाँ जी अम्मी, तेरिया दुआं कबूल हो गई नी भाई, पहले सट्टे नौकरी हो जी मिली, गड्डी लेके भी जाएगी तो लेके भी आएगी, दुआं चाड़ के रख तू। हाँ जी, कितने करना सैन फोन? सर 2 साल तो पहले अगर नौकरी छोड़ोगे किन्ने छड़नी है, तुसी सैन कराओ। सर 20 लाख जुर्माना दे तो 3 साल कैद, हर चीज देंगे, तुसी सैन करवाओ, इत्थे करना ही। हाँ कर दे। लो जी अब्बा जी, जाओ तो प्यो नू गल। क्या नहीं ओदे प्यो नू गल जा, और मैं ओदा प्यो ही हां, जा फिर ओदी मां नू गल। किहड़े हुनी लगा फिरदा इत्थे अब्बा तेरा, नौकरी आसे है सहन हो गए ने, पहला की करता है, पहले बंदा कतल किया है, ठीक कतल क्यों किया है? बस उन्हें गलत बयान नहीं की थी, जवाब
जवाब दे, या तू मरना है या मैं मरना। कंपनी का डायरेक्टर कौन है? मेरे मरण तो बाद तू ही है। मैं तो की होया चाचा जी? खैर है, ठीक खैर ही है, लेकिन ते फिर नौकरी क्यों करन दे? तेरी चंगी भली बदमाशी चलन दई जी। मां ने क्या छड़ दे काम, किथे जेलां फिरेगा? जे मां ने क्या तो फिर मां दी पूरी गल मान ना। मन्नी पए मां तो अगे केड़ी चीज हुंदी बेवकूफा? जे मां ने कहा अज तो बाद लड़ना नहीं झगड़ा नहीं करना, ते जे किसी ने लड़े झगड़ेगा ते मां दे कपना। बड़ी वड्डी हस्ती मां, मां दी शाना क्या बात है, मामा ठंडियां छावां, हाय हाय सुभान अल्लाह। बिल्कुल मां दी गल ते मोड़नी नहीं चाहिए। ना जी ना, उन्होंने कहा ना कि तू आज तो बाद कतल नहीं करना। हाँ जी नहीं करना। ते तेनू तेरी उसे मां दी कसम ही तू कतल नहीं कर। ठीक है जी, नहीं करेंगे। सुट तू सुट, सुन दे सुन दे, ये दुश्मन है तेरा। अच्छा जी, हाँ मां ने कहा ना। हाँ जी, मां तेनू तेरी मां दी कसम ही किसी चपेट नहीं मारनी। मां का मरी का मुंह वेखे अगर किसी ने मारे। नहीं हल्का फुल्का तो होवे ना, बिल्कुल मिट्टी ना करो। मां तेन प्यार है ना, तो फिर तू किसी ने घूरी कट के भी नहीं वेखना। भी नहीं वेखना ना, ये नौकरी है की? नौकरी जाओ फिर, वादा किया जो गल की ना, अज तो बाद किसी घूरी पाक भी नहीं वेखांगे। वेरी गुड, नौकरी। हाँ जी, वेख तेरे जो किसी ने लड़ाई होए, मुझे पता चला कि आपके यहाँ बहुत अच्छी नौकरी है। बहुत ही अच्छी। मैंने इश्तिहार देखा था अखबार। अच्छा किया। सर ये मेरी सीवी। इसको दफा करो। सर देखे तो सही। क्या देखना है, मैंने आपको देख लिया। अच्छा, आपकी नौकरी पक्की? पक्की नौकरी, पक्की इट वर्ग की पक्की नौकरी। ओ, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती ना। 3 लाख रुपए आपको मिलेगा एडवांस। 3 लाख जी, 50,000 रुपए महीना। 50,000 पहले महीने बाद 5,000 बढ़ जाएगा। अच्छा, हर 6 महीने बाद 10,000 बढ़ेगा। अच्छा, रहना सहना कपड़े सारा कुछ हमारी तरह से। अच्छा, पिक एंड ड्रॉप की सहूलत, गड्डी लेके भी जाएगी, गड्डी लेके भी आएगी। ओह माय गॉड, इसका मतलब मेरे सारे ख्वाब यहाँ ही पूरे होंगे। सारे ख्वाब पूरे? हाँ। सर आपको पता है मैं मॉडल भी हूँ। मॉडल? हाँ, कैट वॉक करती हूँ मैं। अरे वाह। हाँ, सर यहाँ पर कैट वॉक नहीं, यहाँ पर डॉग वॉक होगी। अच्छा, कुछ चेंज है? चेंज है। काफी चेंज लग रहा है मुझे। सर जी और क्या क्या है? आज मैं बताता हूँ आपको, एग्रीमेंट है सारा पढ़ ले। एग्रीमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस आप साइन करवा दे। मैं साइन करवा लेता हूँ। ये ले, 3 लाख आपका एडवांस है। 3 लाख एडवांस है, लेकिन अगर आप 2 साल से पहले नौकरी छोड़ेंगे, अच्छा, तो आपको जुर्माना होगा 20 लाख और कैद होगी 3 साल। अच्छा सर जी, मैंने जॉब छोड़नी क्यों है? मैंने तो काम ही इधर ही करना है। खाना पीना हो रहा है, सारा कुछ मिल रहा है, तो गड्डी मिल रही है, लेके भी जाएगी तो लेके भी आएगी। सर जी मुझे गाड़ी कौन सी मिलेगी? आपको स्मार्ट कार मिलेगी। स्मार्ट कार? हाँ, गड्डी तो थले में लाने जाते पता नहीं लगता। नाइस, काफी अच्छी कार। ड्राइव कर लेती हो ना? जी सर बहुत अच्छी। 1 हैंड आपको देनी हमने। 1 हैंड? हाँ, दूसरा हैंड लगता नहीं, बस 1 हैंड ही है। अच्छा, साइन करे। जी सर साइन हो गया। मुबारक हो आपको। पापा हेलो। हाँ, कितने बत्ती जाऊं ट्रैफिक रुकी तो मेरा बंदा कौन नहीं होते कोई भी? चलो मैं भेजना, मैं भर्तियां कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ,
इस तरह नहीं चलना। अच्छा चेंज कुछ और तरह चल रहा है। नहीं चलना इस तरह ही, लेकिन दो में बामा नहीं हिलाने, बाजू नहीं हिलाने। अच्छा। हाँ बाजू नहीं हिलाने, एक बाजू इतने रख लेना, इन्हू हिलाना बस ऐ करके चलना। लेकिन कैट की लत ते सट लगी। सर जी मुझे बताए काम क्या है, जॉब क्या है मेरी? कुछ भी नहीं। बताए ना, बता नहीं रहे। ए, मेरा कच्चा काट है। कच्चा क्यों? कच्चा क्यों? एडी टेंड कराने है, एडी सोनी लगनी है। आ क्या मंगना और की करना है? मैंने नहीं मांगना। क्यों नहीं मांगना? चार दिन की रखांगे वे की मांगनी की मैं तो। तो पापा जी आपका सारा काम हो गया कंप्लीट। ऐ क्लोज कर दे हुन। हां जी हुन मैं जा रहा हूं अपने सौरे दे घर। मैं उन्हें लेके आवांगा। अच्छा तू मेरा काम करना। केड़ा तेरा काम? केड़ा मेरा काम है कि मेरा सौरा आएगा तो तुसी उन्हें मिलना, तुसी मिलके कहना कि असि अपना अच्छी फैमिली दे लोग आ, अच्छे कपड़े पाने, उस दिन खान पीन जरा अच्छा होना चाहिए। कपड़े तो मैं पा लांगा, लेकिन उन्हें कहना इंग्लिश उंग्लिश ना मेरे ना बोले। तुसी ज्यादा बोलना नहीं उसके सामने, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਚਲੋ ਕਹਿ ਲਾਂਗੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੀ? ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ? ਇਹ ਸੇਕ ਲੱਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਪਾ ਅਮੀਰ ਲੱਗ ਵੀ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਰੋਬ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਜ਼ਰਾ ਆਕੜ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਅੱਛੇ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜ਼ਰਾ ਰੋਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਾਂ। ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਪੱਖਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਰੁਪਈਆ ਰੁਪਈਆ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਰੁਪਈਆ ਰੁਪਈਆ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ? ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਮੇਰੇ ਦੁਬਈ ਚ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦੁਬਈ ਚ 100 ਮੰਜ਼ਲਾ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ। 100 ਮੰਜ਼ਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦੁਬਈ ਚ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦੁਬਈ ਚ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗਣਾ। ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਉਣੇ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਮੇਰੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਅਗਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਦੁਬਈ ਚ ਮੇਰੇ 100 ਮੰਜ਼ਲਾ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਸ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਪ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼, ਮੇਰੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਿਪ ਕਹਿ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਪ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਪ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ। ਸਿੱਧਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਚ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖੋਤੇ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਚ ਕਿਹੜੇ ਖੋਤੇ ਨੇ ਤੇਰੇ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੌੜੀਆਂ ਨੇ ਖਾਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਚ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਚ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਖੱਤੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਬੱਚਿਓ, 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਣ ਤੇ ਲਾਤਾ ਜੇ ਬਗੈਰ ਐਲੋ ਭਾਈ ਛੱਡਦਾ।
तू मंगण वाली है चल तू मेनू बाउनी करा मैं तेनू करा ए अल्लाह ने ला दे जा कौन है सी सी हुण राणा ने हुण भुखम भाणा ਉਦੋਂ ਫਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਬਸ ਇੱਕ ਛਿੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਏ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਮਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬਗੈਰ ਕੌਣ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਕਾਲਾ ਖਰਾਬ ਓਏ ਤੂੰ ਅਸਲੀ ਹੈ ਉਹ ਦਫਾ ਹੋ ਸਾਰੇ ਅਸਲੀ ਹੈ ਬਗੈਰ ਦਾ ਐ ਬੇਵਾਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਸਾਈਨ ਕੀਏ ਤੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ बेड़े गर्क हो गया तुसी भी इत्थे सैन कीते ने ओए ओ गड्डी जिहड़ी लैके भी जांदी लैके भी आउंदी बेड़ा करके अगे दो वाली सीट है पिछे डिग पेगा अगे आ जा पापा है पापा और इधर मामा है मैं देखना चाहती हूँ अरे
जब आ जाओगी सारा कुछ देखना फिर तूने। मैं ना देखूं। अभी क्यों देखना, क्या फायदा? अच्छा, सरप्राइज रखो अपनी जिंदगी में। जाओ मेरे पास में। बैठो ना, बैठो। अच्छा लगा ना? बहुत ब्यूटीफुल हाउस है। ये घर जो है ना, मेरे पापा ने बड़ी अपना पुराने टाइम में बनाया था। हाँ, मुझे पता चल रहा है पुराना, लेकिन बहुत क्यूट घर है आपका। और बताए पापा से कब बात करनी है? आज ही। सच में? सच्ची। अच्छा आज तो बात होगी ना पापा के साथ? हाँ वाकई। ओ मैं कुड़ी दी झोली च बह के नहीं मंगना साला लता लाम। की क्या कहते हैं, ये कौन है? वो एक्चुअली मांगने वाले बहुत आते हैं। मेरे पापा बड़े दयालु हैं। अच्छा, लोगों का बड़ा ख्याल करते हैं इसलिए। वाकई? वाओ, इसका मतलब इतने नेक दिल शख्स है वो। बहुत ज्यादा रहम। अच्छा इसको क्या बनाना है? क्या पिलाना है? अच्छा क्या पिलाना है? ये भी मांगने वाला था। मांगने वाला है? इतनी सारे मांगने वाले हैं। बहुत ज्यादा। मुझे आपके पापा बहुत नेक शख्स लगते हैं। मेरे यहाँ सारे ड्रीम्स पूरे होंगे। यहाँ होंगे, क्यों नहीं होंगे? मैं ऐसा ही चला ला 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 अंदर जाके कुंडी ला ला ला। ये भी मांगने वाला था? सब मांगने वाले, कोई कपड़े लेने के लिए आता है, कोई खाना लेने के लिए आता है। यहाँ तो बहुत ज्यादा मांगने वाले। तो आपके पापा अभी आने थे? हाँ जी जानू, उनको मैं लेके आई, आपके लिए सरप्राइज था। पापा को बुलाओ ना। मैं भी आवाज देती हूँ, पापा। वेलकम सर। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू आप आए हमारे घर में, हमारे लिए अच्छी। My pleasure, thank you very much. सर असल में मैंने आपको घर में आने की ज़हमत नहीं देनी थी, हम आपके घर ही हाजिर होते। असल में क्या है कि पापा जो है ना बिजनेस में बहुत बिजी हैं। ओके। वो डे नाइट कहीं ना कहीं होते हैं, कभी बेल्जियम, कभी कनाडा, कभी फ्रांस, इस तरह मुख्तलिफ मुल्कों में रहते हैं। क्या बिजनेस, क्या कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, क्या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, पता नहीं क्या क्या काम है। Okay. मैं तो गिन भी नहीं सकता। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है ये तो। तो लकीली आज घर पे ही है, मैंने कहा चलो आपसे मुलाकात करवा दो। तो आपकी मदर भी पार्टिसिपेट करती है बिजनेस में? जी दोनों साथ ही हैं जी। ओके, वालदा भी साथ ही होती? गाड़ी के दो पहिए हैं सर, अम्मी ऐसे सिग्नल थे, अब्बा जी वो सिग्नल, अपना अम्मी ऐसे बोलो कि अब्बा जी वो सिग्नल। आपका घर है जी? नाइस ओल्ड हाउस, ब्यूटीफुल। अभी और भी नया बन रहा है सर। ओके। हाँ, पापा को बुलाऊं मैं? प्लीज प्लीज प्लीज। पापा मीट माय फादर सर। हेलो बॉय। अब्बा जी पीछे ले, नींद नहीं पूरी हुई ना। नाइस टू मीट यू जी। इको ही है। बहुत प्यारा मेरा पुत्र, बहुत प्यारा। ओके। हाँ जी। माय फादर सर, शी इज माय मदर। हाँ, माय फादर, शी इज माय मदर। आपकी वाइफ है? हाँ आपकी वाइफ है। मैं तो अड़ी गल कर रहे हैं। बोलो, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या कह रहे हैं, क्या बातें हो रही है ये सारी। बेल्जियम के साथ लोग शीशा चलवा लेंगे, बाद जो पैसे नहीं देंगे। दुबई दे विच मेरे 100 मंजिला शिप ने पानी च मेरे प्लाजे चलते ने। फ्रेंचाइज़
ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਕਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਹਾ ਥਾ ਸਰ ਹਮਾਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਓਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਲਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੈ ਆ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਸੈੱਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈਲੋ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਹਾਲੇ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਦਿਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਚੱਲ ਉਧਰ ਜਾ ਜਾ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ जी मैं कजन उनकी फुफो का बेटा हूं फुफो का बेटा है बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं जी मैं ओके कभी शाल में गए आप जी जी बड़ी बिल्डिंग के नीचे एक बोरी है जी ओदे नाल मेरा प्लाजा है ओके ओके बोरी प्लाजा ओके अभी इसको मैंने हॉस्पिटल में लगवाना है सर अच्छा ये कौन है जी माय डॉटर शादी कर रहे हो जी जी मेरे कजन ना हां जी शादी अभी राशिद भाई के पास लगवाऊंगा आपको हाँ। मैं क्या अच्छे काम पे लगवा दूंगा भाभी हाँ। शादी कर रहे हैं हाँ। क्रास है ना अभी कैसे साइन हो सकते आगे ने मेहमान आगे ने हाँ। कपड़े से ला अच्छा पीछे आ जा मेहरबानी तेरे मुंह ते अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम मैं बच्चे की फूफी हूं बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर मैंने भी बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह तुम्हारी बेटी है जी इतने ब्याह कर रहे हो जी भाई नसीबा लिए गड्डी लेके भी जाएगी लेके भी आएगी जेड़ी भी गल होवे ना दो चार गल्ला दी तैयार करना जी हां जी ना तो किसी ने घूरी पाउनी ते ना चपेट चपूर मारनी नहीं ये मेरा इको इको ही बहन है हां 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 जी मैंने बहुत हमारी फूफो है कैसे ਹਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਪਕੀ ਫੁੱਫੋ ਮੈਂ ਪੀਐਸਐਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸਾਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੇਂਦ ਵੱਜ ਗਈ ਸੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੈਂ ਫੁੱਫੋ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵੱਜ ਗਈ ਕੀ ਫੁੱਫੋ ਹੈ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਕੀ ਫੁੱਫੋ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨ ਰੋਕ ਲੈ ਮੇਰੀ ਮਮਤਾ ਜਾਗਣ ਲਈ ਹੈ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਫੁੱਫੋ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੈ ਕਸਮ ਜ਼ਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਭ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਵਾਹ माशाल्लाह तो मिलो ना देखो रिश्तेदार आए हुए हैं क्या हाल है आपके ठीक है आप हेलो आप इस घर में आपको पता है बहुत खुश रहेंगी आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी इस घर में अल्लाह ने ना दिया अल्लाह का नाम ले कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह खुश रहेंगे बिस्कुट आ गया चलो हाय हाय ये भी मेरी कजन है अच्छा हेलो आप क्या करती हैं जी मैं बहरिया टाउन में प्लाट कट दी चलो शाबाश ये बहरिया टाउन में ना जहरिया टाउन बनाती है अच्छा जी आ जाओ मेरा अस्सलाम वालेकुम ये सादा वसीम अकरम दोनों की जोड़ी बड़ी कमाल लगेगी और इस घर में ये बड़ी खुश रहेगी नहीं अल्लाह देना अपनी मर्जी जाओगी ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਫਾ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਏ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਫੁੱਫਾ ਬੜੀ ਖਾਣਾ ਖਾਏ ਖਾਣਾ ਇਹ ਕੀ ਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਧਰੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਇਹ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਫੁੱਫੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਸਹੀ ਸਹੂਲਤ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਰੇੜ ਕੋ ਲੈ ਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹਮ ਕਹਾਂ ਜਾਏਂਗੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾ ਨਾਲ ਕਲੀ ਮੰਗੀਏ ਜਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਮੰਗੇ ਮਰ ਗਈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੰਗੇਤਰ ਆ ਗਈ ਯੂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਏ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਨੱਚੇਂਗੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ
धोखा कीता है। तू की समझनी मेरा दा नजायज तलक है? हां मैं तैनू छड़ के ते इतना फस गया। हां अगर मेरा इतना नजायज तलक होवे ते मैं तेरे पियो दा मरया मुंह देखा। चाचा जी बोल दे क्यों नहीं बड़ा तोड़ा ठंडी पूड़ी अरगा मुंह है। रोशनी मैं तन्नू पहले ही समझाया सी बेटा अपनी मर्जी नहीं करनी। तू अपनी मर्जी कीती है आज अंजाम भी देख ले। मैनू कसम है अपने वहाब रियाज दी मेरा मिस बॉल हक ना कोई तलक नहीं। मैं पेशावर जालमी नु पसंद करना है कोटा ग्लेडिएटर है ए मेरी मंगेतर है मल्ला समझिया कर देख बस तुसी ते समझाओ अपनी धी नु। पापा जी मैंने अब इसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। मेरी गल सुन मैं तेरे ना प्यार करना आई लव यू बल्कि आई लव लव के यू। पूरी दुनिया फिर के वेख ले तेनू एडा मस्कीन राणा नहीं लभना। आदत पै गई है मैं अगले चौंक तक छड़ के आया दिल से कोई नगर आओ आओ मैं तुम समझाना छेती आज बात पक्की हो जाएगी। मेरे पापा और आपके पापा दोनों बातें कर रहे हैं। ये शादी नहीं हो सकती। ये होया कि ये जो हिसाब में इनसे दसो इसलिए कि ये लोग चीटर हैं, ये फ्रॉड हैं, ये सब फ्रॉड कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं तुम्हें। क्यों है आपा जी? पता नहीं मेरी सीवी पढ़ बैठा कर। क्या हुआ सर? मेरी समझ से बाहर है तुम्हारी ये हिम्मत कैसे? तुमने ये सोच कैसे लिया कि ये फ्रॉड मेरे साथ भी कर सकते हो? कौन सा फ्रॉड सर? तुम लोग भिखारी हो, टके टके में भीख मांगने वाले ये लोग, ये गरीब इंसान। तुम चाहते हो कि मेरे मुकाम और मेरे इज्जत तक पहुंच जाओ, तुम ये चाह रहे हो कि इस लड़की को सीढ़ी बनाकर तुम मेरे मर्तबे को पहुंच जाओ। कैसे सोच लिया तुमने कि इस घर में बैठकर तुम मेरे महल तक पहुंच सकते हो? कैसे सोच लिया तुमने कि तुम मेरी बेटी के साथ मेरे मुकाम तक पहुंचोगे, वो सबको हासिल कर लोगे जो तुम चाहते हो और मैं तुम्हें इतनी आसानी से हासिल करने दूंगा? तुम भीख मांगने वाले हो, टके टके के पलने वाले लोग हो, ना मुकाम तुम्हारा इज्जत, ना मुकाम, ना तुम्हारा रुतबा, ना तुम्हारी पहचान। कैसे तुम बराबरी कर सकते हो मेरी? कैसे? घटिया इंसान हो तुम, घटिया बाप की तरह घटिया औलाद हो तुम। बस कर दो सेठ साहब, मैंने जो मर्जी कहो, दुनिया की कोई भी औलाद अपने प्यो की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करती। मैंने जो मर्जी कहो मेरे बाप के बारे में एक लफ्ज ना कहना, नहीं चाहिए मैंने यह रिश्ता। हाँ मैं मानना कि मेरा प्यो फकीर है, मैं मानना कि मेरा प्यो सदके लेंदा खराब लेंदा, उसे खराब के नाल मैं पलिया, उसे खराब के नाल साडा पूरा खानदान चलता है। हुक्म है सदका करो, खराब करो, इमदाद करो, उसके वास्ते अल्लाह ताला ने इंसान भी पैदा किए ने। लेकिन यह किधरे हुक्म नहीं है कि किसी यतीम का हक खाओ, यह किधरे हुक्म नहीं है, किसी जगह तक नहीं लिखा कि किसी बेवा का प्लाट के उत्ते जाके कब्जा करो, यह किधर नहीं लिखा कि नाहक किसी बंदे मार के उसकी जायदाद हासिल करो। अपनी तो साड़ी दौलत का जरा मुआवजा तो करो। हाँ असी मंगया, असी खराब लई, लोगों दलावं लिया ने, तो तुम कतल किया, बेवा का हक खाधा, यतीम का हक खाधा है। जो तो कल सुन रब के सामने पेश आवेंगे शायद साड़ी बख्शिश हो जाए, लेकिन यतीम का हक खाने वाले की बेवा के कब्जा करने वाले की कभी भी बख्शिश नहीं होगी। मेरा इन सब चीजों से कोई कसर नहीं है। तुम चीटर हो, तुमने चीट किया। बेटी दिस इज नॉट पॉसिबल। दो साल मुझे नहीं चाहिए ये रिश्ता। हमें भी नहीं चाहिए। मैं बाप की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे यही काफी है। पापा मैं इसके बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। दिस इज नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता। जो भी है मानने वाले, जो भी मैं इससे प्यार करती हूं, ये लोग हमारा मैच नहीं है, हमसे मैच नहीं करते। चोरी साहब बस कर दो, तुम यही कहना चाहते हो ना? कैसी मंगने वाले लोग हो? मैं अपने पुत्र की खुशियां की खातर मंगना भी छड़ देंगा यार। तुसी ये कहिंदे हो ओए पुत्रां की खातर तो लोग शहर छड़ जांदे ने, तुहानू इन्हां पुत्रां की कदर होए? तुहाडा पुत्र ही कौन नहीं? उस मां प्यो नूं पुछो जिन्हां दे परदेश च पुत्र बैठे ने। ओह जदों बाहरों फोन करदे ने ना कि मां की चाहिए, पैसे चाहिए ने, गड्डी चाहिए है, दौलत चाहिए है, तो माँ प्यो कहिंदा पुत्र सानू कुछ नहीं चाहिए, घर आ जा सोने, मेरा तो सोने ही मेरे को। ठीक है अगर आप ये सब कुछ छोड़ देते हैं तो ठीक है, बट आपको मेरी एक बात माननी होगी। ओके डी, आपको सब कुछ छोड़कर मेरे साथ मिलकर बिजनेस करना होगा। हाँ। सानू हर शर्त कबूल है। मुझे दसो कि मैं अपने पुत्र नू सेरे ला के किदन ढे लावां?
जुमेरात के दिन आ जाइए। चलो फ्राइडे ओके। लेकिन मेरी भी एक शर्त है, लेकिन हर शर्त में मानी है जी। आप बताइए। मेरी एक ही शर्त है। बताइए। जो मैं बरात लैके पुत्र दी ढाडे लावा उथे साढ़े तो अलावा कोई मंगन वाला ना हो।